भाई सबसे पहले बता दूं, जो यो था ना, यो था सनराइज। सबसे पहली बात यो, और भाई सुबह के 6 बज रहे हैं भाई। सारे भाई तो बता दूं कि भाई सबसे पहले मेरे व्लॉग में स्वागत है आपका, ठीक है ना। तो भाई आज मेरा दूसरा व्लॉग है, तो भाई आज अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी बढ़िया बढ़िया लोकेशन क्या 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 है। वैसे यहाँ से लोकेशन 3 या 4 किलोमीटर दूर है, तो हम जाएंगे वैसे तो अपनी साइकिल बजाएंगे, और बीच में अगर आपको टाइम लैप्स देखने को मिले तो ट्राइपॉड फ़ोन ला के जब टाइम लैप्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो भाई सारे भाई एक बात बता दूँ कि भाई हमारे घर के नहीं कह रहे भाई तक कि नई साइकिल दिवा देंगे, और मेरा दिल नहीं मानता कि नई साइकिल लाऊं, क्योंकि मेरा दिल मानना है कि ना मॉडिफाई कर पाऊँ, ठीक है ना। नई साइकिल ना करके मॉडिफाई करवानी दें। तो भाई बैकग्राउंड मोशन है इग्नोर करिए, मौसम एक नंबर का हो रहा है गच्च भाई, तड़की उठा करो, दौड़ दाड़ मारा करो। भाई मैंने दौड़ मार लिया है, जब ये आपके अल्लाह ताला लेंगे, ठीक है ना। तो भाई एक काम करते हैं, चलते हैं, क्यू आर करे फिर घाम हो जाएगा, फिर जी भी ना करे। तो भाई भाई ये भी है तो चल ले है, कम से कम 10 मिनट लग जाएगी बेटे सब पहुंचने में। तो भाई थोड़ी साइकिल की स्पीड बांध ले मैं, और चलती है। One hour later. तो भाई सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, भाई जो बंदा 4 या 5 किलोमीटर डेली साइकिल चलाता है ना, उसकी हालत देखो। पहली बात तो ये ऐसी होती है, अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो साइकिल की हालत देखो, साइकिल टायरों की हालत देखो सबसे पहले, ठीक है ना, पीछे वाले की भी। तो भाई हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ से कम 200 मीटर होगा। पहली बात तो ये जहाँ से हम चल के आ रहे थे ना, ये सारा तारकुल का रोड था, अब यहाँ से एक अच्छा रास्ता शुरू होता है। हम ऑफ रोडिंग भी करेंगे साइकिल के साथ, वैसे मेरे साथ कोई दूसरा बंदा तो है नहीं, तो ट्राईपोड में लगा के ही करेंगे, कैमरा ट्राईपोड में लगा के। तो भाई यहाँ से एक अच्छा रास्ता शुरू होता है, जहाँ पे पेड़ है ना, ये पेड़ दिख रहा है आपको, ये पेड़ यहाँ पे, ये कच्चा रास्ता भी ख़त्म हो सकता है। फिर यहाँ पे आगे रास्ता चलता है ऐसे ही, खेतों में से जाना पड़ता है। और पहले आप व्यू देखो भाई, मैं तो इस व्यू को फैन हो गया। चारों तरफ हरियाली हरियाली, और कोयल की आवाज़ सुनो आप, कोयल की आवाज़ सुनो, सुनी ना। बस भाई मैं तो यही के फैन हो रखा हूँ, जब भी मैं रोज आता हूँ यहाँ पे, आधा एक घंटा बैठता हूँ, सोचता रहता हूँ, सोचता है क्या वैसे व्लॉग बनाएंगे आपके लिए, लोग के बारे में सोचते हैं। और भाई सबसे पहली बात एक बात बताता हूँ मैं आपको, हमारे इंडिया एक ऐसा देश है जो आप पे नेचर को ख़राब करने वाले हैं ना, 60 या 70% लोग होंगे, और 30 या 40% ठीक करने वाले लोग होंगे। तो भाई 60-70% वाले लोगों से विनती है कि भाई ये कूड़ा कचरा मन फैलाया करो, इतनी अच्छी अच्छी जगह जाते हो देखो वहाँ पे। और सबसे पहली बात, मैं पीछे जहाँ से मैं आया हूँ ना, पीछे है ना वहाँ पे एक कोक की बोतल और इतने सारे मोमोज, नमकीन वमकीन पता नहीं ये ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, यहीं पे गिर जाते हैं। मैं तो वैसे तो आज मैं 3-4 दिन में आया हूँ, सुबह तो मैं पहली बार ही आया हूँ, पर शाम का मौसम भी एक नंबर का होता है। मैं संडे को आपको लाऊंगा दोबारा यहाँ पे, पहले आप व्यू को इंजॉय करो दोबारा। और गाइस सबसे पहले एक बात बताता हूँ, जो ये आपको एक ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है ना, वो क्रिकेट ग्राउंड है। और जो ये गांव है ना, जो अरे क्या हो गया इसमें, जो वो गांव है, वो गांव अगर ये रोड यहाँ तक है ना, तो कच्चा रास्ता है ना, जो वो
क्या कहते हैं जो वो सेकंड तो नहीं, हाँ जो ये टावर है ना इससे कच्चा रास्ता शुरू होता है, और जो आपको पेड़ दिख रहा है ना वो ये वाला, वहां से कच्चा रास्ता भी खत्म हो जाता है, फिर वहां पे चलते डोले। मैं डोले भी दिखाऊंगा आपको। अगर भाई अगर उस रास्ते को वहां तक काट देते ना उस गांव तक, भाई मैं उस गांव के वहां से आया हूँ और देखो वो रोड 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 ऐसे गया वहां तक आया, फिर वहां पे मैंने कट लिया, कट लेने के बाद फिर इतनी दूर आया हूँ, फिर उस जो मंदिर है ना वो मंदिर वहां से यू टर्न लिया, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए एक रोड निकलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो फिर ये रोड है, फिर मैंने भी फिर मैं उल्टे आया यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे करके फिर मैं यहाँ पे आया। तो भाई यहाँ से कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है, तो भाई जल्दी वेट मत करो, हम अपनी साइकिल लेके आते हैं और भाई करते हैं शुरू, और आपको एक आध स्टंट भी दिखाएंगे मार के, वैसे स्टंट मेरे को इतने आते नहीं है, पर जो हमारी झोटा साइकिल है ना, झोटा साइकिल से झोटा साइकिल बोलते हैं, वो हमसे एक सब कुछ करा देती है। एक मिनट रुक जाओ। तो भाई रोड देख लो पहले, सबसे पहले मेरे एक हाथ में कैमरा होगा, एक हाथ में साइकिल का हैंडल, ज़्यादा रिस्क तो लेंगे नहीं, जितनी हो जितनी चल पाएगी उतना से चलाएंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं, रोड को एंजॉय करो आप, साथ साथ व्यू को भी। ओ वो भी लाइट आ जाएगा। नहीं 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 देखो गाइस जो मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे ये कच्चा रास्ता भी खत्म हो जाता है, अब ये मिट्टी वाला रास्ता चलेगा यहाँ से, अब ये उतार दी खेत में, अब ये उबड़ खाबड़ है, अब आपको कैमरा से कुत्ता वो दिख रहा होगा। तो भाई सबसे पहले एक बात बताऊँ मैं आपको, ये लोकेशन ऐसी लोकेशन बस मेरे चैनल पे मिलेगी आपको। तो भाई मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ, आप बस एक छोटा सा काम कर दो ना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार। गाइस ये वैसे ये जमीन डेवलप हो रखी है, ये देखो ये है असली नज़ारे, ये टावर, जो मैं आपको बोल रहा था ना रास्ता, अभी दिखाता हूँ आपको रास्ता, ये टावर देखिए आप, इससे दूर है, इससे हम बहुत दूर है, ठीक है ना, अगर आप कहते तो और दूर हो जाती है। बस देखो गाइस अब ये कच्चा रास्ता भी खत्म हो गया, क्योंकि आगे किसी ने खेती कर रखी है और किसी का नुकसान हम करेंगे नहीं। अब यहाँ पे तो स्टैंड भी नहीं लगता, क्योंकि मिट्टी है, स्टैंड है ना, दस्ता तो लगता है। एक मिनट लग गया, साइकिल को हमने पार्क कर दिया। तो भाई सबसे पहले जो मैं गांव बता रहा था ना, देखो ये रास्ता खत्म हो गया, जो वो रोड है ना जहाँ पे वो मंदिर है, जूम करके दिखाता हूँ, जो वो मंदिर दिख रहा है वहां से रोड आता है, और जो क्रिकेट ग्राउंड कह रहा था ना मैं, ये रहा ये क्रिकेट ग्राउंड, ये ठीक है ना। तो भाई अगर इस गांव में से ये रास्ता यहाँ से निकाल देते तो हमको इतनी दूर नहीं आना पड़ता ऐसे करके, मतलब पूरे घूम हमको है ना कम से कम 3 या 4 किलोमीटर हमको यहीं पे लग गए होंगे, और यहाँ से हमारा गांव है 2 या 2.5 किलोमीटर दूर, ठीक है ना। यहाँ पे किसी ने ढांचे की खेती कर रखी है कि हमें किसी की खेती बिगाड़नी नहीं चाहिए, क्यों काम आ गया नुकसान करे, अपने जो काम आता वो करो यार। और जो मैं कह रहा था डोले, डोले यार ऐसी होती है, मतलब जिसके ऊपर हम चल, मतलब ये थोड़े ऊपर ऊपर खेत से होते हैं, क्योंकि फिर अगर सब कुछ प्लान कर देंगे ना तो उन्हें नहीं पता, ऐसे नहीं पता लगेगा कि किसका खेत कौन सा है और कहाँ तक है, ठीक है ना। तो भाई आपको पहले नेचर का इंजॉय कराएंगे। अरे कटा हुआ क्या जूते में,
एक मिनट रुक। गाइस वैसे अभी बादल हो गया, थोड़ी सी सूरज के सामने बादल आ गया, छाया वैसे हो गई है वरना धूप हो गई थी। पहले आप नेचर का एंजॉय करो। देखो मैं है ना, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे आता आया एक घंटा वो करता हूँ, एंजॉय एंजॉय माय लाइफ। अगर हम कोई स्नैक्स वनैक्स भी लाए ना तो यहाँ पे बैठ के खा लेंगे, और जो भी हमारा कूड़ा कचरा होगा वो हम लेके जाएंगे। हम एक कैरी बैग भी लाएंगे। भाई देखो ये कुछ मेरे को अलग टाइप की व्यू दे रही है, मतलब कि मैं आपको जस्टिस नहीं कर सकता, और कैमरे में तो ये व्यू जस्टिस हो ही नहीं सकता। अगर आप रियल में आओगे ना कभी मेरे साथ तो भाई मैं आपको दिखाऊंगा। भाई अरे हे क्या व्यू है, साथ में टावर अरे हे। और इस गांव का मैं एक प्ले ग्राउंड भी दिखाऊंगा, जो कि ऐसा लगता है जैसे तारक मेहता में होता है ना, 90% मेरे को ऐसा ही लगता है कि वो ऐसा ही है, ठीक है ना। तो भाई थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हैं, साइकिल हमारी वो खड़ी। तो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे हो गया मेरे को 10 या 20 मिनट, ज़्यादा वो नहीं करेंगे क्योंकि धूप हो जाएगी अभी, और काम भी करने हैं, ठीक है ना। तो हम चलते हैं साइकिल को रोड पे लेके जाते हैं, वहाँ पे फिर आपको एक या दो स्टंट दिखाएंगे। वैसे मेरे को इतने स्टंट आते ही नहीं हैं, पर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा इसके स्टंट करो, क्योंकि भाई ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। भाई मैं सेफ्टी के साथ करता हूँ, मेरे को मतलब मैं ना 3 या 4 साल हो गए हैं मेरे को स्टंट करता हूँ मैं, मतलब ज़्यादा नहीं करता, एक या दो कर लेता हूँ कभी मन किया तो, ठीक है ना। मेरे को ज़्यादा स्टंट भी नहीं आते। और दो ये साइकिल की हालत देख रहे हो ना आप, ये स्टंट सही हो रखी है। और भाई कमेंट में बताना ऑफ रोडिंग भी करेंगे इसी से, टग ऑफ वॉर साइकिल टू साइकिल मतलब, और ड्रैग रेस। मेरे 2-3 यार हैं वो मेरे से ऐसे कह रहे थे कल कि शेर शेर होता है, तो मैं बताऊंगा आज नहीं संडे को, क्योंकि संडे को लोग बनाएंगे ना तो उसकी छुट्टी नहीं रहती, तो भाई संडे को बताएंगे उसको कि शेर कौन है और गिद्दड़ कौन है, ठीक है ना। भाई चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताऊँ मेरे खुफिया अड्डे में क्या क्या है, हैं देखो आपने ढांचे देख लिए, यहाँ पे कचरी है, कचरी बोलते हैं ना, अगर आपको नहीं पता ना कचरे कैसे होते हैं तो मैं दिखाता हूँ कैसे होते हैं। अभी वैसे पका नहीं है, अभी ऐसे ये हमारी साइकिल का टायर, वैसे तो नया ही गलवाया था अभी, ठीक है ना, ट्राइपॉड करवाएंगे। तो भाई मैं एक बात बताऊँ, कैमरा ज़्यादा सही होता है यहाँ पे, तो मैं कैमरा वहीं पे लगाऊँगा रोड पे जाके, तो जब तक का वेट करना बाय। गाइज अभी मेरा डिसाइड हुआ है कि मैं साइकिल को यहाँ से लेके जाऊँगा, मतलब मैं इस मतलब खेत वाले को नुकसान नहीं करूँगा, हम जाएंगे साइड टू साइड, ठीक है ना, साइड टू साइड जाएंगे। और जो आपको कोटड़ा दिख रहा है, कोटड़ा बोल रहा हूँ मतलब कि कमरा जहाँ पे टूल होता है, वहाँ तक तो ये खेत है, उसके बाद में जो घर दिख रहा है ना आपको, मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ, ये वाला घर कहाँ है, ये जो टीन लग रही है वहाँ पे पक्का रास्ता निकलता है, जो कि मैं इतना घूम के जाऊँगा, इतना मतलब 2-3 किलोमीटर पूरा करूँगा। तो इससे बढ़िया मैं एक काम करता हूँ, ये होगा कम से कम 800 या 900 मीटर, ये खेत तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये 200 या 300 मीटर है। तो भाई एक काम करते हैं, स्टंट आपको देखने ना तो स्टंट मैं आपको रोड पे ही दिखाऊंगा, ठीक है ना। वैसे तो मैं यहाँ पे दिखाता क्योंकि ये रोड चलता नहीं है इतना, वैसे घूमने के लिए बना रखा है। तो भाई ग्राउंड में किसी दिन और दिखाऊंगा, क्योंकि भाई वो अभी मैं इतनी दूर जाऊँगा, धूप हो रही है तो, ठीक है ना, ग्राउंड में किसी और दिन दिखाऊंगा आपको। तो भाई चलते हैं, एक काम करते हैं, मैं रोड पे जाके मिलता हूँ आपको जहाँ पे वो कमरा है ना वहाँ पे। तो भाई जब तक का वेट करना। तो भाई वैसे व्यू एक नंबर को रहा, मेरा मन नहीं करता यहाँ से जाने का, पर क्या करें मजबूरी है भाई, धूप हो जाएगी और काम भी है,
ठीक है ना, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, इतनी चार्जिंग पे लगा के नहीं सोया मैं रात को। तो भाई ठीक है ना, अभी मिलते हैं आपको कमरे के वहाँ पे मिलते हैं। जो रोड बोल रहा था ना मैं, वो रोड है आपको सारी है, ठीक है ना। तो भाई जो ये टूवेल वाला कमरा है ना, ये तो बस थोड़ी सी दूर है, यहाँ से तो हम आराम से जा सकते हैं, यहाँ पे किसी खेती नहीं है, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले जो ये टावर है नहीं, तो ये है, ये यहाँ पे थे हम। हैंगल को मैं अपने हाथों में उठा के लाया हूँ ऐसे करके बाहुबली बन के। तो भाई यहाँ का व्यू भी एक नंबर को रखा है, वैसे ऑफ रोडिंग करने में मजा आएगा। यहाँ पे एक दो स्टंट करते हैं, करते हैं या नहीं करे आप बताओ। अगर आप बोल लोगे ना, अगर 10 कमेंट आए ऑफ रोडिंग के ऊपर, तो भाई इस खेत में ऑफ रोडिंग करेंगे। अगर 10 कमेंट ड्रैग रेस के आए, तो ड्रैग रेस करेंगे। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक आए ना, 50 ओनली 50, तो भाई व्लॉग्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। वैसे तो वो लोग को कंटिन्यू करेंगे और ऑफ रोडिंग भी कंटिन्यू करेंगे। देखो बादल हो रखी है, वरना धूप बहुत जोर की थी। अगर कमेंट आते तो ही करेंगे, वरना तो देखते हैं करेंगे नहीं करेंगे। तो भाई चलते हैं, रोड में मिलेंगे। भाई मैं आपको एक लोकेशन और दिखाऊंगा, यो नहीं, यो भी नहीं, अरे यो तो कहती भी नहीं, यो लोकेशन है भाई मेरे सामी। भाई आप तो यो लोकेशन दिखाऊंगा, सब तो बढ़िया लोकेशन लगी मैंने। यहाँ पे भाई यार ने फूल फाल बो रखे है ये रे, और जो आपका ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये है तालाब, ये आपको दिख रहा है दिल्ली जल बोर्ड है ना। भाई मेरे को एक नंबर का नज़ारा दिखा भी, तो मैंने सोचा क्योंकि क्योंकि ना एक हमारी पब्लिक को दिखाया जाए। देखना भाई साहब, अय है। तो भाई धूप ऐसे ज़्यादा हो रखी है, ज़्यादा देर हम रुकेंगे नहीं, साइकिल पे अपने घर चलते हैं, बीच में आपको दिलाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना यार। भाई मैं तारी खाता इतना कुछ कर रहा, देख भाई पसीने में मर रहा हूँ, ठीक है ना। भाई घर पहुँचो मिल जाएंगे आपसे। भाई ईव देखो तुम, बढ़िया लड़ा करती ग्रीन ग्रीन पानी, थमन सोच रहे होंगे भाई भीतर जा रहा थोड़ा, भाई भीतर नहीं जा रही, साइकिल पर खड़ी है। भाई दान तो देखो भी उन्हें व्यू ने इंजॉय करो, अपने फिर चल नहीं करे। ये भाई अपना फूल बो रखे यहाँ, भाई मैं तो फैन हो गया इस पानी का। भाई वो दिक्कत में ला रहा, भाई बहुत गहरा पानी है वो। थम देखो लकड़ी भी, मतलब यहाँ पे पेड़ था इसके अंदर, वहाँ तक पानी आ रहा, देखो कुछ टोप तक उसके। मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे गांव का पानी यहीं पे आके स्टोर होता है। तो भाई चलते हैं अब हम, वैसे यहाँ पे जहाँ पे पानी स्टोर होता है ना, वहाँ पे स्मेल तो आती है वैसे, पर यहाँ पे स्मेल तो आने थी, स्मेल तो आनी थी। तो भाई ये काम करते हैं, अब अपने घर चलते हैं। व्यू हमने बहुत इंजॉय कर लिया और व्लॉग भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो भाई मिलते हैं हम अपने घर, मतलब घर से थोड़ी पास होगी, ठीक है, तो मिलेंगे। अगर हमारे गांव के, मतलब गांव में जो स्विमिंग पूल होते हैं ना, वो आप शहरों जैसे नहीं होते। शहरों में तो ऐसा होता है कि भाई 150 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है, जब एक एक 1.5 घंटा नहाते हैं। तो भाई हमारे गांव में ना टूवल होते हैं, टूवल, जैसे मैं वो कह रहा था ना कि कमरा, वहाँ पे वो टूवल, वहाँ पे वैसे टूवल है ना, ख़राब हो रखा था, नहीं तो मैं आपको टूवल चलता हुआ दिखाता कि टूवल कैसा होता है, उसमें नहा के भी दिखाते, ठीक है ना। तो भाई सारे भाई तो एक बात बताऊँ, इब हम घर जाऊँगे, ठीक है ना, घर चलते हैं। गरीब हमारे आता है 2 या 2.5 किलोमीटर दूर है भी, तो ये घर पहुँच के मिल लेंगे, क्यों काम बार करनी भाई, गाँव पहले हो लिया, ठीक है ना। तो भाई घर पे मैं पहुँच गया हूँ, अभी फ़िलहाल ही पहुँचा हूँ, अभी मैंने सूजी चेंज किया है। तो भाई ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई पहले आप एक बात और सुनो मेरी, भाई गर्मी बहुत हो रखी है, तो अपनी छत पे ना पक्षियों के लिए पानी डाला करो। भाई आपको मैं बताऊंगा देसी तरीके से कैसे बनाते हैं, जिसमें हम पानी डालते हैं ना, उसमें ठंडा ही रहता है, बेशक कितनी धूप में डाल दो,
ठीक है ना। तो अभी फिलहाल पहले हम उसका पानी चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं रोज़ उसमें पानी चेंज करता हूँ फिलहाल। वो अभी मैंने कल डाला था उसमें, इसमें अभी इतना ही कम हुआ है, ये इतना। तो भाई हमको पहले इसको निकाल के पानी ये ऐसे करके इसको ऐसे करके कर देना, मतलब पानी को निकाल देना। और भाई मैं फ्रेश फ्रेश पानी निकालता हूँ बोतल में। और भाई ढक्कन खोलती है पहले, भाई देखना जी। मतलब 2 लीटर पानी आ ही जाता है इसमें ऑलमोस्ट। तो भाई आप भी अपने घरों की छत पे डालना यार, ठीक है ना भाई। आप पेड़ पक्षी यारों पक्षियों के लिए पानी डाल दिया करो। तो भाई व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जितना हो सके ना उतना सब्सक्राइब करना। और भाई वहाँ पे पीछे ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ पे भाई, ठीक है ना। तो भाई व्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक सब कुछ हो देना भाई, इतना तो कर देना आपके छोटे भाई के लिए, ठीक है ना। अभी फिलहाल करेंगे क्या बस कुछ नहीं। अगर आपको मेरा पूरे डेली का व्लॉग चाहिए ना तो भाई कमेंट में बताना कि भाई डेली व्लॉग बनाओ। डेली व्लॉग नहीं, डेली का व्लॉग, मतलब कि पूरा पूरे दिन का, ठीक है ना। तो भाई व्लॉग बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो भाई व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। कबरू कगड़े दे बरका फड़के नी हाथ फसा ले तेरे ते छड बाकी नी मौका नी किते मुल मिलना मुंडा।